अल्लाह तौबा तौबा, जो कुछ इस घर के साथ हुआ है वो किसी दुश्मन के घर में ना हो, दुश्मन के घर में भी ना हो। अम्मी, जिस लड़की को हमने अपने खानदान के ख्वाब सौंपे थे, उस लड़की के ख्वाब किसी और की मोहब्बत में पहले से ही गिरफ्तार है। अम्मी, जिस लड़की को हमने अपने घर की रौनक बनाना चाहा, वो लड़की तो किसी की मोहब्बत के चिराग पहले ही रोशन कर चुकी है। अम्मी, जिस लड़की को हमने समझा कि वो हमारे आम मेरे बेटे को मोहब्बत देगी, खुशियां देगी, अम्मी वो तो निकाह से पहले ही अपना दिल किसी और को दे चुकी है। अम्मी, क्या? हाँ भाभी, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएंगी, लेकिन आपकी जो लाडली बहू है ना जारा, उसकी जिंदगी में किसी और की मोहब्बत की खुशबू थी, और वो महक उसकी जिंदगी में अब भी। लग गया ना सबकी जुबान पर खामोशी का ताला। अभी तो इब्तिदाए जंग है, आगे असली रंग है। मैं किसी की जुबान को इतना मौका नहीं दूंगी कि वो जारा या जीनत के हक में एक लफ्ज भी बोल सके, कसम खुदा की। गुल, You're too good. ये हकीकत नहीं हो सकती। क्यों? हकीकत क्यों नहीं हो सकती? भाभी, एक बात याद रखिए आप, हकीकत के आफताब को झूठी तसल्ली के 100 पर्दों में भी आप बांध कर रखेंगी ना, तो उसकी रोशनी से जो दामन पर दाग लगा है उसे नहीं छुपा सकती आप। गुल, हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। अपने कानों से सुनिए अम्मी, खुदा गवाह है मेरा कि मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है जो जारा की अम्मी जारा से कह रही थी फोन पर। क्या सुना तुम? सुनना चाहती है? हाँ ठीक है, तो आप सब सुनिए कि उसकी अम्मी ने क्या कहा। अब तो मुकम्मल है मेरा यकीन, रिश्ता ये कोई कच्चा धागा नहीं, बस है तमन्ना खुदा रूठे नहीं, धागा ये प्यार का छूटे नहीं। अब तो रंग में तेरे रंग जाएंगे, खुद को ही भूल जाएंगे। भाभी, मुझे लगता है यही वजह है ये आमिर और जारा के बीच जो दूरियां है ना उसकी। यही वजह है कि आमिर जारा से इतनी बेरुखी से बात करता है, क्योंकि हो सकता है अम्मी आमिर को इसके मुतालिक सब कुछ पता चल गया हो और वो समझ गया है कि जारा अपने बीते हुए कल में जी रही है। क्या देख रही हो जारा? नानी कहा करती थी कि जब चांद पूरा हो जाता है तो एक बूढ़ी औरत वहां जाकर चरखा चलाती है। नहीं, मेरी दादी कहती हैं कि वहां गुब्बारे वाला जाकर गुब्बारे बेचता है। गलत कहती हैं आपकी दादी, भला कोई गुब्बारे वाला वहां कैसे पहुंच सकता है? अब सच और झूठ का फैसला कौन करे? आप नहीं जारा, क्योंकि आपके फैसले दिल से जुड़े होते हैं और आपके फैसले पर मुझे यकीन नहीं।
बहुत दिल दुखाने वाले होते हैं। कुछ फैसले हम नहीं लेते, तकदीर सुना जाती है, हमें तो सिर्फ उन पर अमल करना होता है। याद है एक दिन आप ही ने कहा था कि इंसान वही होता है जो तकदीर के फैसले को बदलने की ताकत रखता है। कहना क्या चाहती हैं आप? बस इतना ही कि आपने अतीत में कुछ और सुना और मैंने कुछ और समझा। आज की हकीकत यह है कि चांद के साथ सिर्फ उसकी चांदनी है और कुछ भी नहीं। एक कड़वी बात कहूं आपसे अम्मी, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन कोई भी इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी भूल ही नहीं सकता, नामुमकिन बात है। खुदा खैर करे बेगम, ये हम क्या सुन रहे हैं? अरे भाई बेगम, हमें तो इस बात का जरा भी नहीं था कि आपको पहले भी किसी से इश्क हुआ था। देखिए, अगर ढंग से बात नहीं सुन सकते हैं तो अपने कानों में सरसों का तेल गरम करके डालिए। मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, मैं जारा की बात कर रही थी। जारा? हाँ जारा। अरे मैं ऐसी बात अपने सीने में कैसे दफन कर लेती, वो राज जिसके खुलने से हमारे खानदान की रुसवाई हो जाती। इसलिए मैंने अम्मी को, खाला को और भाभी को सब कुछ बता दिया। वही सारी बातें जो जारा की प्यारी अम्मी जान जारा से फोन पर कह रही थी, याद है ना? अब हम आपसे कुछ कहेंगे तो आप बुरा मान जाएंगी। भाई तिल का ताड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे, आखिर हम भी तो वहां मौजूद थे। फिर ऐसी कौन सी बात हुई जो सिर्फ आप ही के कानों तक पहुंची? क्या आपने ये नहीं सुना था जारा की अम्मी को कहते हुए कि जारा बेटे, तुमने तो अपनी मोहब्बत को अपनी आपा के लिए यूं भुला दिया है जैसे कि मोहब्बत के फूल तुम्हारे दामन में कभी खिले ही नहीं थे। कहा था कि नहीं उसने? कहा था, जल्दी बताइए। बेशक कहा था भाई। सुन लिया अम्मी, अब तो हो गई आप लोगों को तसल्ली। एक मिनट, जरा ठहरिए बेगम, जरा ठहरिए। अब हमारी समझ में आ रहा है कि दरअसल माजरा क्या है। अम्मी जान, जारा के वालिदैन आमिर और जारा के निकाह के खिलाफ थे, और इस पूरी कायनात में जारा अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी से करती है तो वो है उसके अम्मी और अब्बू। तो वो उसे ये कह रही थी कि अपनी आपा की खातिर उसने उनकी मोहब्बत को ठुकरा दिया और उनके फैसले के खिलाफ जाकर आमिर के साथ निकाह कर लिया। बस तो फिर वो क्या था जो जारा की अम्मी उससे कह रही थी कि बेटा तुम्हारे गुजरे हुए कल के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पे आमिर को? क्या था जी वो गुजरा हुआ कल, और हमारे आमिर को ही नहीं पता चलना चाहिए कल के बारे में? अब हम आप ही का डायलॉग आप ही की पेशे खिदमत करते हैं। अगर सही ढंग से सुन नहीं सकती हैं आप तो तेल डलवाइए कानों में। वो ये नहीं कह रही थी, वो तो ये कह रही थी कि अपने गुजरे हुए कल की परछाई को अपने आज के रिश्ते पर मत पड़ने देना। भाई वो तो इस खानदान की खुशियों के लिए बहुत नेक सलाही दे रही थी। बेगम साहिबा, बात की गहराई को जरा समझा कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलतफहमी की वजह से न सिर्फ जारा और आमिर की बल्कि इस पूरे घर की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएं। लेकिन गुल, एक बात का ख्याल रखना, आज के बाद किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ये ना समझी हमारी इस जन्नत के लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाए। गुल तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, जारा हमारा गुरूर है, अव्वल तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, हमें जारा पर पूरा भरोसा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले जीना से कहती। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो ये आग लगाना, क्योंकि जो आग के साथ खेलते हैं वो खुद अपना दामन जला बैठते हैं। आमिर बेटा,
ये कौन? ताई जी, ये जारा है। जारा? जारा जीनत की छोटी बहन और मेरी मेरी दूसरी बीवी। क्या हो रहा है बेगम, क्या कर रही हैं आप? हम ये सब होते हुए नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। आखिर शौहर होने के नाते हमारा भी कोई फर्ज बनता है। अब आप एक एक साड़ी इतने जतन से संभाल संभाल कर रखेंगी तो खामखा बहुत वक्त जाया हो जाएगा आपका। चलिए हम आपकी कुछ मदद कर देते हैं, हैं? अभी अभी लीजिए। अरे ये लीजिए, ये मेरे कपड़े और ये आपके कपड़े हैं, ठीक है? पर माशाल्लाह देर से ही सही, लेकिन ये बहुत सही फैसला लिया आपने, इस घर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला। भाई ये तो आपकी मोहब्बत है जो हम यहाँ पर रह रहे थे। भाई आखिर कब तक रहते यहाँ? तमाम जिंदगी थोड़ी ना बसर कर सकते थे। बहुत ठीक किया बेगम आपने, अब हम अपने लखनऊ के घर में चलकर रहेंगे। भाई क्या हुआ अगर वो घर थोड़ा छोटा हुआ तो? रहने वाले भी तो हम चार ही हैं। अब माना कि वहां कोई नौकर चाकर नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग तो हैं। भाई हम यहां भी बड़े शौक से खाना बनाया करते थे, वहां भी बना देंगे। आप अपने नरम नरम हाथों से कपड़े वपड़े धो लीजिएगा, शीरीन बर्तन साफ करवा देगी, और जहां तक रहा सवाल झाड़ू पोछे का, तो वो काम आप दोनों माँ बेटी मिलकर अंजाम दे दीजिएगा। या अल्लाह, जब कुछ कहूंगी ना तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन कैसे बेदर्द तो बाप है आप? किसी ने में बाप का दिल नहीं है क्या? अरे यहाँ पर मैं अपनी शीरीन का घर बसाने की सोच रही हूँ और आप घर बसने से पहले ही उजाड़ने की सोच रहे हैं। छी! हाँ, क्योंकि मैं भी एक बाप हूं, इसलिए एक बाप के दिल का दर्द, उसकी चुभन, उसकी खलिश को अपनी रूह तक महसूस कर सकता हूं। जारा भी किसी की बेटी है कुल, जारा इस घर की बहू है कुल, और यही हकीकत है, और इस हकीकत को जल्द से जल्द कबूल कर लो, क्योंकि यही तुम्हारे और हमारे लिए और इस पूरे खानदान के लिए बेहतर होगा। वक्त आज जारा पर मेहरबानी की बारिश कर रहा है, और इस बारिश में जो बेजुबान थे वो भी भीग गए, उनकी भी जबान मेरे सामने चलने लगी। मगर कोई बात नहीं, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। शिकार की गर्दन कब, कैसे और कहां दबोचनी है, ये मुझे अच्छी तरह से आता है। खैर मनाओ जारा, खैर मनाओ। गुड मॉर्निंग ताई जी। अरे आओ आओ, गुड मॉर्निंग। आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ हो रही होगी। अरे ऐसी बातें नहीं करते, बच्चों के लिए कुछ करते हुए तो माँ को खुशी होती है ना। अच्छा ये बताओ, अमित नाश्ते में क्या खाना पसंद करेगा? जी वो, अरे संकोच मत करो बेटा, बताओ। जी उन्हें नाश्ते में ग्रिल्ड सैंडविचेस बहुत पसंद है। अब वो तो मुझे बनाना नहीं आता। ठीक है, तुम एक काम करो,
तुम ही नाश्ता बना लो अपने आमिर के लिए। इज्जत के 40 दिनों तक तुम आमिर का कोई काम नहीं कर सकती। ताई जी, आज घर के सारे नौकर नहीं दिखाई दे रहे, आपको सारा किचन का काम खुद ही करना पड़ रहा है। क्या वो सब लोग छुट्टी पर गए हैं? बस छुट्टी ही समझ लो, वो क्या है ना, घाटी में आज के दिन एक मेला लगता है, बस घर के सब लोग वहीं गए हैं और सुबह से पहले कोई नहीं आने वाला। मेला? कैसा मेला ताई जी? बेटा ये मेला बहुत पवित्र है, दुनिया में प्यार करने वालों के नाम पे तो मेले लगते आए हैं, लेकिन ये मेला सबसे अलग है, क्योंकि ये किसी प्रेमी और प्रेमिका की प्यार की याद में नहीं, बल्कि पति और पत्नी की अमर प्रेम की याद में हर साल लगता है। कौन थे वो लोग ताई जी? रहनुमा बेगम। बेटा ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि प्यार और त्याग की जीती जागती मिसाल है, जो अपने पति की जिंदगी की खातिर अपने खुदा से भी लड़ गई और कुदरत को भी उसके जिद के आगे झुकना पड़ा, और उसका पति जो मर चुका था उसे दोबारा जीवन देना पड़ा। जिस जगह पे रहनुमा बेगम का मकबरा है, हर साल वहाँ एक मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से सुहागने आती हैं और उस मकबरे पर पति पत्नी की मनमांगी हर मुराद पूरी हो जाती है। खैर बेटा, तुम आमिर के लिए नाश्ता बनाओ, मैं अभी आती हूँ। ताई जी, मेरे हाथ का तो वो रोज ही नाश्ता करते हैं, मुझे आमिर खुद ही बता रहे थे कि ताई के हाथ में बहुत स्वाद है। अच्छा, आप उनके लिए कुछ भी बना दीजिए, मुझे यकीन है कि उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। ये बात है तो ठीक है, मैं ही आमिर के लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ। जी, लेकिन एक और समस्या आ गई। क्या हुआ ताई जी? ये कि मैं जो बनाने का सोच रही थी वो सामान तो घर में है नहीं। कोई बात नहीं, मैं अभी बाजार से लेके आती हूँ। अरे आप क्यों खामा का तकल्लुफ करती हैं, मैंने आते वक्त बाजार देख लिया था, आप मुझे बस लिस्ट दे दीजिए और मैं सब सामान ले आऊंगी। मॉम, पहली बार आपके चेहरे पर ऐसी शिकस्त देख रही हूँ। शिरीन मेरी बच्ची, तो ये मत देख कि किसके चेहरे पर शिकस्त का धुआं है, ये भी मत देख कि किसके चेहरे पर मुस्कुराहट की रोशनी है। तो इसका मतलब ये है मॉम कि जारा की पहली मोहब्बत के नाम का पासा जो हमारे हाथ लगा है, उसे हम पूरी तरह से बिना खेले ही रख देंगे? या अल्लाह, तू बिल्कुल अपने बाप पर गई है शिरीन, तू समझ नहीं रही है शिरीन। बेटा इस वक्त मैं कुछ भी अपनी जबान से बात कहूंगी ना, तो इस घर के लोग उस बात पर यकीन अब कर रहे हैं और ना ही बाद में करेंगे। इस वक्त फिलहाल गुल को जरूरत है, गुल को तलाश है मोहब्बत के अफसाने के उस सबूत की, जिसके वजन से मैं आपकी बार अपनी जबान खोलूंगी। और रही बात इस पासे की, तो शिरीन मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। एक आइडिया है, क्यों ना हम जारा के कमरे में जाकर तलाश करें। शिरीन बेटा, अल्लाह ताला ने तुझे दिमाग दिया है या भुज भर दिया है तेरे दिमाग में? चुप कर। तूने क्या जारा को अपने जैसा बेवकूफ समझा है जो पेट्रोल और माचिस साथ में रखेगी? हाँ, वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो कहेगी कि आओ 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 शिरी, मेरे कमरे की अलमारी खोल लो और सारे सबूत निकाल लो और कर दो मेरे कल को बेपर्दा। चुप है गर्ल। तो अब क्या होगा मॉम, क्या हमें सबूत नहीं मिलेंगे? सबूत मिलेगा, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। एक बात याद रखना शिरीन,
दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके पीछे गुल पड़ जाए और वो गुल की नजरों से बच जाए। कोई चीज नहीं ऐसी। हमें सबूत जरूर मिलेगा, लेकिन यहां नहीं, सारा के घर में, सारा के कमरे में। है मुश्किल, लेकिन हमें उस सबूत तक वहां पहुंचना ही होगा। बस बेटा, एक मौका, सिर्फ एक मौका। यहां मिला मौका, वहां जारा का टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।